बिल्कुल जगह नहीं है, नारे ना रहो, आ जाओ सामने आओ, ये सर सामने आओ, ये सर तो साहब वही रहना, ये खड़े रहो, हाँ ये खड़े रहो, अकेले होने आने दो, चलो चलो आइए जी, हाँ ये पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, रुक जाए भाई, ये वेतन पीछे खींचो हटाओ, समझे रुद्र आजमगल हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी, पार्टी के सचिव, इन लोगों के ना रहने की वजह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दुख है। और आज उनके घर परिवार के बीच में मुझे आने का मौका मिला, परिवार के सदस्यों से मिल कर के दुख बांटने का, और मैं यहाँ श्रद्धांजलि देने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता साथी जो साथ रहे हैं उनका दुख बांटने आए हैं। राजमंगल यूथ से लेकर के अभी तक लगातार पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, उन्होंने पार्टी की बहुत मदद की। ये साथी वो थे जो आने वाले चुनाव में मदद करना चाहते थे। जो नुकसान पार्टी का हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी, हालांकि राजनीति में जो लोग चले जाते हैं इस तरह वो हमेशा याद रहते हैं, हमें दुख है इस बात का। जहाँ तक बलिया और बलिया के पत्रकार साथियों से बातचीत हो रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या और एजेंसियां जिससे विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा सके या बदनाम किया जा सके, ये प्रयास हमेशा होते रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सरकार में रही है और जब उसको घबराहट हुई है कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो इसी तरह सत्ता में रहने वाले लोगों ने एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। जिस किसी भी सरकार ने इस तरह की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है वो सत्ता से हमेशा बाहर हुए हैं, हमेशा सत्य की जीत हुई है। जो सच्चाई के साथ खड़े उनकी जीत हुई है, और आपसे बेहतर कौन जानेगा पत्रकार साथियों, आपने तो वो लड़ाई लड़ के देखा है कि आपने कोई बात कही जो सच थी और उस पर आपको जेल तक जाना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप झुके नहीं और आप अंतोगत्वा जीते, इसलिए मैं बधाई भी देना चाहता हूँ आपको। अखिलेश जी, न केवल बलिया जेल में रहे आप लोग में से साथी, आजमगढ़ जेल में भी रहे आपके साथी, तो ये एजेंसियों का या सरकार का इस तरह का व्यवहार हमेशा रहता है आवाज़ दबाने का। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ताकत दी है अपने अधिकारों को लड़ने की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो सिद्धांत दिया आगे बढ़ने का, लड़ने का, नेताजी ने संघर्ष का रास्ता बताया, और बलिया से बेहतर कौन जानेगा, देश आज़ाद बाद में हुआ, बलिया पहले आज़ाद हो गया। तो इतने क्रांतिकारी धरती पर ये हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे हैं, ये आप सब जानते हैं कि जनता जिस समय खड़ी होगी सरकार को झुकना होगा और सरकार झुकेगी, क्योंकि जो बुनियादी सवाल वो वैसे के वैसे हैं। आप कितना भी विकसित भारत का प्रचार प्रधानों के पैसे से कर लें, चेयरमैनों के पैसे से कर लें, उससे क्या विकसित भारत बन जाएगा, विकसित प्रदेश बन जाएगा? आप प्रधानों के पैसे से विकसित बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा धोखा है सोचिए। और बैंकों का पैसा जो था, जो वसूला जाना था 15 लाख करोड़ रुपया, आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। आज आप कर्ज में जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक कदम आगे थे, 46 में 56, याद है वो भाषा कि 46 में 56 नौकरियां मिलती थी हमारी सरकार में, आज तक सूची नहीं मिली। और कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का निवेश आएगा, इटावा में ना आया हो, हमें उम्मीद है कि बलिया में पिछले 7 साल और दिल्ली की 10 साल की सरकार में कुछ तो निवेश आया होगा, देवरिया में कुछ आया होगा, गाजीपुर में कुछ आया होगा,
जो सड़क हम लोगों ने लखनऊ और दिल्ली और पीछे पटना से जोड़ने के लिए किया काम, चाहे वो पुल बनाया हो और चाहे आपका पूर्वांचल का समाजवादी एक्सप्रेसवे, वो आधा अधूरा है। केवल शहर गांव जुड़ने के लिए नहीं थी, उसके साथ साथ मंडियां बनती या कुछ और काम शुरू होते तो यहाँ के लोगों का जीवन बदलता। और ये संभव तभी हुआ, लखनऊ से सुबह चल कर के आए, मौसम खराब होने के बावजूद भी अगर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने न दिया होता तो शायद इतनी जल्दी आपके बीच में न पहुंच पाते। लेकिन सर, अखिलेश जी जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो नया यात्रा लेकर के आ रहे हैं, 11 दिन उनका यात्रा यूपी में रहने वाला है, तो क्या लगता है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा है या फिर इंडिया गठबंधन का ये यात्रा है? अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। सर, ये इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर, राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा तो पूरी जिम्मेदारी से वहां खड़ा दिखाई देगा। लेकिन सर, इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बात का भरोसा कौन दिलाएगा? सर, आपकी विपक्षी आप पे हमलावर होते हुए कहते हैं ओम प्रकाश राजभर कि दिन में गुलदस्ता थमाते हैं, रात को नतमस्तक होते हैं कि मुझे बचा लीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? शायद बलिया के लोग उन्हें बेहतर जानते हैं। सुब्रत पाठक जी क्योंकि जो शुरुआती सीढ़ी चढ़ते हुए आपने देखा है तो आप बेहतर हमसे जानते हैं। सर, अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में जिस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा वहां मौजूद था, तो ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं, जो आप सोच रहे वही बात है। सर, गाजीपुर से लड़ेंगे अफजाल अंसारी? सही नहीं, अभी तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। सर, राम मंदिर पर सुब्रत पाठक जी ने कहा है समाजवादी पार्टी के लोगों को बयान लगा देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने लखनऊ की प्रेस के सामने भी कहा, और आज से नहीं, हमारे गांव चले जाएं आप, न जाने कितने ने कहा है समाजवादी पार्टी के लोगों को बयान लगा देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने लखनऊ की प्रेस के सामने भी कहा, और आज से नहीं, हमारे गांव चले जाएं आप, न जाने कितने मंदिर बने हुए हैं, नेताजी हनुमान जी का खुद मंदिर बनवाए थे, भगवान श्री कृष्ण का भी बना है, और आपको जानकारी होगी कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका की तरफ चले रावण को मारने के लिए, वध करने के लिए, तो भगवान शिव जी की पूजा करके निकले, वो भी मंदिर हमारे यहाँ है। तो भगवान पे कंट्रोल किसी का नहीं है, ये बीजेपी के लोग भगवान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी की कोशिश है कि भगवान को भी ओन कर लें और वो भी उनको कंट्रोल कर लें। इसीलिए आप जानते हो कि निमंत्रण भी बीजेपी का कार्यालय तय कर रहा है, भगवान श्री राम नहीं तय कर रहे हैं। और यहाँ जितने लोग हैं ये सब लोग जानते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तो हम दौड़े चले जाएंगे, और भगवान की तरफ से किसी का बुलावा आ गया तो समझ लो कौन रोक लेगा उसको। तो आप जाएंगे पार्टी की तरफ से बुलावा होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? सर, बिहार में नहीं, मैं ये चाहता हूँ, प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ भगवान जी कि आपका बुलावा जल्दी ना आए। जिस तरीके भगवान सर बिहार अगर बुला लेंगे सर, पार्टी बुला के जाएंगे नहीं? सर, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की जो चर्चा आ रही है पार्टी जेडीयू टूटने की और कहीं ना कहीं बीजेपी, ये बातें देखिए, ये बातें चलती रहती है, पार्टी टूटेगी, ये जाएंगे वो जाएंगे। देखिए, सिद्धांत नहीं खत्म होता, पार्टियां नहीं खत्म होती, लड़ाई चलती रहती है।
ये बलिया के लोगों, आपने तो यहाँ से प्रधानमंत्री बनाया दिया है, तो आप सब राजनीति को समझते हो, बेहतर समझते हो। जनता बदलाव चाहती है। आप सोचो कितनी गरीब बीजेपी है और कितनी गरीब सरकार है जो सपना दिखाती $1 trillion की इकोनॉमी का, और बताओ प्रधानों से पैसा वसूल करके कार्यक्रम कर रहे हैं विकसित भारत का। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर ये बात सच नहीं हो तो बताओ आप। 100% पत्रकार भी जानते हैं लेकिन बोली नहीं। तरीके से सर, पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई पे हमले हुआ, इस पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि विपक्ष जो है डरी हुई है, जेल जाने की डर की वजह से ईडी और सीबीआई पे हमला कर रही है। ये बताइए, आप खुद सोचिए, आपने कहा कि नोटबंदी के बाद, नोटबंदी होने के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मेरठ में एक किसान ने आत्महत्या कर ली आग लगा करके, कौन जिम्मेदार था? सरकार जिम्मेदार थी। तहसीलों में क्या हाल है या थानों में क्या हाल है? मैं इसी जिले में आया था कुछ दिन पहले, एक व्यापारी की जान गई कि नहीं गई? सूदखोरों ने क्या पैसा वसूला था? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और काला धन के बाद उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो झारखंड ने तोड़ा। उत्तर प्रदेश में 200-250 करोड़ रुपए निकले थे और झारखंड में कितने निकले रुपए? 300 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला। तो ये बीजेपी के लोग आरोप दूसरी पार्टी पे लगा रहे थे, लेकिन नोटबंदी के बाद क्या उनकी पॉलिसी का फेलियर नहीं था? ये आपने क्या नोटबंदी की, क्या फेलियर नहीं था आपका? फेलियर आपका है, आप छिपाना चाहते हो। तो ये जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो एजेंसीज है, इनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हम तो कहना चाहते हैं लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को दबाने के लिए उनकी आवाज़ दबा दें, उनकी नीचा दिखा दें, उन्हें बदनाम कर दें, अपमानित कर दें, तो ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है। आप नहीं जानते ब्लैक फार्मिंग का चुनाव कैसे होता है? एसओ लड़ाते हैं, सीओ लड़ाते हैं, आपको नहीं पता? वीडीसी नहीं वोट दे रहा, सीओ साहब को भेज दो। जिला पंचायत सदस्य नहीं वोट दे रहा था, लाओ एसओ साहब से एफआईआर लिखा दो। आपको नहीं पता कि ये बात है? ये सब बातें आप जानते हो, क्यों हमसे सवाल पूछते हैं? सब एक आखिरी सवाल सर, सपा एक तरफ आरोप है कि सपा एक तरफ ब्राह्मण सम्मेलन कराती है, दूसरी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूरी छूट दे रखा है कि वो सनातन धर्म कर रहे हैं। यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि हम सबको मिलकर के लेकर के चलना चाहते हैं, जो बिगड़े उन्हें सुधार दें और जो सुधरे उनका साथ ले लें और उनका आशीर्वाद ले लें, इसमें क्या खराब बात है? अच्छा ये बताओ, सुधार क्या खराब? नहीं, सुधारने के साथ साथ हम उन लोगों को भी संदेश दे रहे हैं जो सीता माँ को टेस्ट ट्यूब बेबी बोल रहे थे। आप बताइए क्या आप नाम ले सकते हैं? एक नेता बहुत बड़े थे बीजेपी के जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी बोला, क्या ये बोलना चाहिए? ऐसी भाषा होनी चाहिए क्या? तो इसलिए हमारा काम है लोगों को सामाजिक न्याय के रास्ते पे लाना, जाति जनगणना कराना। हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना के रास्ते पर सब लोग काम करें। उनमें फिर अंतर क्या रहेगा सर? आप भी स्वयं सर मौर्य इस तरह से बयान दे रहे हैं, उनमें भी कार्रवाई नहीं हो रही? आप समझ ही नहीं पा रहे हो, इतने सीनियर पत्रकार होने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, तो मैं क्या करूं सर? गठबंधन में दरार है, क्या कह रहे हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।